हेलो स्टूडेंट्स, श्री प्राज्ञ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है. टुडेज आवर टॉपिक इज द सेल. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सेल के बारे में पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत आ गई है सेल के बारे में पढ़ने की. द एंटायर अर्थ हैव मिलियन और ट्रिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन इट. हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, कोई भी हो, सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर के बने हैं. तो अगर हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है तो हमें सेल की स्टडी ज़रूरी है. जिस तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें पहले अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए हमें पहले सेल को पढ़ना ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ अ सेल? अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेल है उसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है एक लिविंग बॉडी की. ऐसा क्यों? बिकॉज सेल जो है डिवाइड होते जाते हैं और धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि लिविंग बॉडी का स्ट्रक्चर होता है. तो अगर सेल का जो भी डिवीजन होगा उसी तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. तो जिस तरह से सेल डिवाइड होंगे उसी तरीके से स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड हुआ? सेल पर. इसलिए सेल को क्या बोला गया है? स्ट्रक्चरल यूनिट. इसी तरीके से जो भी लिविंग बॉडी वर्क करती है या कोई भी जो फंक्शन वो परफॉर्म करती है वो भी किसके अंडर कंट्रोल होते हैं? सेल के. इसलिए सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है. सो द बेसिक डिफाइन क्या बनी? अ सेल इज द structural and functional unit of a living body. A cell is the smallest unit of life. जो भी life जो एक living organism की है वो cell के बिना incomplete है और impossible है. इसलिए cell को बोला गया है smallest unit of life. उसके बिना life create नहीं हो सकती. Also, the cell is known as the building blocks of the living body. उसे बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला गया है एक लिविंग बॉडी के लिए. बिकॉज जिस तरह से किसी भी घर को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, एक बिल्डिंग ब्लॉक पे दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक और तीसरा चौथा, इस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, उसी तरीके से सेल को बनाने, मतलब एक लिविंग बॉडी को क्रिएट करने के लिए या फॉर्म करने के लिए एक सेल से मिलके दूसरी सेल, दूसरी से तीसरी बनती है. तो हाउ डज ए सेल कैन क्रिएट द एंटायर लिविंग बॉडी? एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, सारी सेल्स डिवाइड होती जाती हैं और एक ग्रुप क्रिएट करती है जिसे कहते हैं टिश्यू. ये टिश्यू धीरे धीरे ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और बनते हैं ऑर्गन्स. और ऑर्गन्स बहुत सारे मिलकर के बनाते हैं एक लिविंग बॉडी. इसे कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये जो पूरा प्रोसेस हुआ सेल से लिविंग बॉडी बनने का वो क्या कहलाता है? लिविंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किस तरह के स्टेप्स होते हैं इसमें? फर्स्ट इज सेल. सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बॉडी. अब बात करते हैं कि जो सेल है वो डिस्कवर कैसे हुई, मतलब कहाँ से आई, किस तरह मिली, क्या हुआ, उस बारे में बात करते हैं. तो एट फर्स्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665. रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. उसने कैसे डिस्कवर किया था, उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं. तो रॉबर्ट हुक पहले ही एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर चुके थे. उसके बाद उन्होंने उसमें काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्ज़र्व करना शुरू किया. एक बार जब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि कॉर्क की स्लाइस में एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्ड कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखाई दिए. जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में होता है छोटे छोटे से रूम लाइक स्ट्रक्चर्स और कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसी तरीके के कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे कॉर्क के अंदर. कॉर्क बेसिकली एक वुडी स्ट्रक्चर होता है, एक वुडी स्टैम जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें उन्होंने इन कंपार्टमेंट्स को देखा और उसे नाम दिया सेल. बिकॉज
सेल वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब लैटिन के अंदर रूम होता है। तो वो रूम लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे नाम दिया सेल। बट उन्होंने जो सेल देखी थी वो एक डेड सेल थी। यस, इट इज़ करेक्ट, ही डिस्कवर्ड द डेड सेल। आफ्टर दिस एंटोन वन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल इन 1674। रिमेंबर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेड सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल डिस्कवरी एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। तो शेप और साइज हर एक सेल का बहुत डिफरेंट होता है। काफ़ी सारी शेप्स में पाई जाती हैं सेल, इरेगुलर शेप्स भी होते हैं और रेगुलर शेप्स भी होते हैं। उसके अलावा शेप्स में सिलेंड्रिकल हो सकती है सेल, स्फेरिकल हो सकती है, स्पिंडल हो सकती है, काफ़ी तरीके के शेप्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको काफ़ी तरीके के डायग्राम्स दिख रहे होंगे जिसमें अलग अलग शेप्स डिफाइन हो पा रही हैं इजीली। उसके अलावा जो साइज है वो भी बहुत सारी सेल्स का अलग अलग होता है। हम यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस पर बात करते हैं, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट सेल जो है वो है एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट सेल मानी जाती है, जिसका डायामीटर होता है 18 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। जो ऑस्ट्रिच बर्ड है उसका एग सेल सबसे लार्जेस्ट सेल माना जाता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल मानते हैं हम माइकोप्लाज्मा को, और सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है नर्व सेल। जो ह्यूमन बॉडी में जो नर्व सेल्स पाई जाती हैं ब्रेन के, वहाँ उसे सबसे लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है।